सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको मेदू बड़ा बना कर दिखाऊंगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये 250 ग्राम उड़द की दाल लेके मैंने इसको 6 घंटे पानी में भिगा दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुकी है और इसका पूरा पानी निथाल लिया है। कड़ी पत्ता और मेथी दाने हैं, इनको मैं दाल के साथ पीसूंगी। एक चम्मच बारीक कटा अदरक, 5-6 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। 2 चम्मच प्याज बारीक बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती आधी कटोरी। ये 1/2 चम्मच काली मिर्च है, इसको मोटा दरदरा मैंने कूट लिया था। 1/2 चम्मच नमक और 10-15 कड़ी पत्ते। चलिए मैं दाल को मिक्सर के जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। इसके साथ कड़ी पत्ता और मेथी दाना भी डालूंगी। देखिए, दाल, कड़ी पत्ता और मेथी दाना मैंने जार में डाल दिया है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अगर पेस्ट पतला हो गया तो हमारे बड़ों का शेप नहीं आएगा। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। अभी मैं इसको बिना पानी के ही ग्राइंड कर लेती हूँ। जी, मैंने दाल को पीस लिया है अच्छे से। देखिए, हमारा बेटा ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसको मैं 10 मिनट तक अच्छे से फेटूंगी, जिससे ये फ्लफी हो जाएगा और बड़े अच्छे मुलायम बनेंगे। चलिए, मैं इसको अच्छे से लगातार फेट लेती हूँ 10 मिनट। जी, मैंने बेटर को 10 मिनट अच्छे से फेट लिया है, इसे गोल गोल घुमाते हुए। अब इसमें ये सारा सामान ऐड कर दूंगी मैं। काली मिर्च से बड़े का स्वाद बहुत अच्छा आता है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है तेल डाल के गर्म होने के लिए। अब इन सारे मसालों को भी इसमें अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट हम और फेटेंगे। जब मैंने बेटर को 15 मिनट तक अच्छे से फेटा है, जिससे ये बेटर बहुत ज़्यादा फ्लफी हो चुका है। और जी, एक बाउल में मैंने पानी लिया है। अब मैं ऑयल देख लेती हूँ गर्म हुआ कि नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब मैं एक हाथ में बड़े बनाने के लिए हमेशा एक हाथ में हम पानी लगाएंगे। और एक नींबू के साइज का बेटर उठाएंगे, इसको गोल गोल ऐसे करते हुए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हम इनको पकौड़ी की तरह भी तल सकते हैं, शेप नहीं आ रहा हो तो। फिंगर में पानी लगा के इसमें बीच में होल बना लेंगे। इसमें ऐसे होल बना के बीच में और इसमें हम डाल देंगे। दूसरी बार फिर पानी लगाएंगे। जब भी हम बड़ा डालें उससे पहले हाथ में पानी लगा लें। अगर आपको सेब बनाने में परेशानी हो रही है तो इसको पकौड़ी की तरह भी तल लें, स्वाद वही रहेगा और प्रैक्टिस करते करते सेब आने लगेगा। इसी तरह हम सारे बड़े तल लेंगे। ये एक तरफ से ब्राउन होने लगे हैं, अब इनको मैं पलट लेती हूँ। इसी तरह दोनों तरफ से इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। चलिए, इनको ब्राउन होने देते हैं। देखिए, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। जो गर्मा गर्म बड़े बनके तैयार हैं, आप भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। बहुत टेस्टी बड़े बने हैं, आप भी इन्हें बनाइए और खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।